माँ दुख भी मेरे लिए है सुख के समान, माँ दुख भी मेरे लिए है सुख के समान, अगर तेरे चरणों से कभी ना दूरी है। शराब पीता है, मुझे मारता है, माता ने ही दिया था, माता ही ना उसको सुधार रही है, बिल्कुल बेमुख हो गई है माता रानी। मुझे बताइए माँ क्या हुआ है, क्या बोला है, क्या हो गया मेरे बेटे को? वो पहले ऐसे नहीं था, वो पहले भक्ति करता था, मेरा ध्यान देता था, परोपकार करता था, गरीब बच्चों पे दान देता था, अब वो माता के चढ़ाए हुए पैसे भी लेके जा रहा है, बताओ मैं क्या करूँ? एकाएक कुछ नहीं होता है माई, जैसा कि तुम बता रही हो कि माँ वैष्णवी के द्वारा ही आपको वो पुत्र प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन में कोई भी चीज होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी मैया ही होती है। तुम याद करो, क्या तुम कोई चीज भूल तो नहीं रही हो? कहीं तुम भूल तो नहीं रही हो? भूल तो नहीं रही हो माँ? कैसा स्वप्न था, आपने मुझे सब कुछ दिखा दिया। माँ मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई कि जो लाल मुझे आपके दरबार से मिला था और मैंने ही आपके सम्मुख बोला था कि जब वो चलने योग्य होगा मैं उसको अपने साथ आपके दरबार में लेके आऊंगी दर्शन के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। माँ मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई। माँ मुझे माफ कर देना। बहुत देर हो गई है, 11:30 हो गए, अभी तक नहीं आया। आज फिर पी के आएगा, फिर कलेश करेगा। हे माँ इसकी बुद्धि को सुधार दो, माँ इसकी बुद्धि को सुधार दो, मैं क्या करूँ इसका? आ गया लगता है, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। आगे बेटा तुम? हाँ, तुम सोई नहीं अभी? इसका जवान बेटा बाहर हो, कैसे सो सकती है मैं? आजा खाना लगा देती हूँ जल्दी। माँ मैं खाना खा के आ रखा हूँ। बेटा कभी बूढ़ी माँ के साथ भी खा लिया कर। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ माँ। क्या लाएगा? आप ही खुद ही खोल के देखो। साड़ी? हाँ माँ, तुम माता रानी को बहुत मानती हो ना, तो हम माता रानी के दरबार में जाएंगे, तुम यही साड़ी पहन के जाना। तो मेरे साथ माता रानी के दरबार में चलेगा बेटा? हाँ। बेटा हम कल सुबह पहली ट्रेन से ही माता रानी के दरबार में जाएंगे और उनका शुक्र अदा करके आएंगे। जयकारा वैष्णो मात का, बोल साचे दरबार।